हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अभी जो है सुबह के 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में जो है मैंने चटनी बनाई है और सिंपल परांठे बना रही हूँ, चाय और अचार, बस यही बना रही हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। तो क्या हुआ था, सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ लेकिन बिस्तर में से बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ, सोती ही रहती हूँ। तो मतलब फ़ोन चलाती रहती हूँ अपना। 6:30-7 बजे के आसपास मैं उठती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, व्हाट्सअप देखती हूँ, फिर टिकटॉक देखती हूँ, फिर उठती हूँ। तो मैं जो है सुबह उठी थी, मैंने टिकटॉक देखा। टिकटॉक पे जो है प्रियंका रेड्डी जी के बारे में वीडियो आ रही थी, बहुत सारी वीडियो आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। तो मैंने जो है, आप लोगों को भी पता है कि मेरे घर में टीवी नहीं चल रहा है, 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है टीवी नहीं चल रहा है, तो मुझे न्यूज़ के बारे में इतना नहीं पता होता है। तो मैं फ़ोन में ही देख लेती हूँ जब भी मुझे कुछ देखना होता है। तो मैंने जो है यूट्यूब पर सर्च किया, जब जाके मुझे वहाँ पूरा मैटर पता चला कि आखिर हुआ क्या है और किन लोगों ने किया है, सब लोगों का पता चल गया। आप लोगों को तो पता ही होगा आजकल क्या चल रहा है देश में हमारे। मुझे सिर्फ ये है कि हमारे देश में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पता है क्या होता है, सब बोल देते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को ये करवाओ, लड़कियों को वो करवाओ, लेकिन अब जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने इस काबिल बनाया, वो डॉक्टर थी, उनके माँ बाप से पूछ के देखो उन पे कितना जोर पड़ रहा होगा, यही सब कुछ रहा ना, तो लोग अपनी लड़कियों को घर से निकलना तक बंद करवा देंगे। गंदी नजरें कहीं भी मिल जाती हैं आपको, रोड पे आप चलते हो ना, 70 लोग आपको देखने वाले मिल जाएंगे कि हाँ भाई ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है, लेकिन उन्हें देखने के लिए कोई रोकने वाला खड़ा नहीं होता है। वो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके निकल जाते हैं, जाओ ना रे हमें क्या मतलब। फिर वही हैवान किसी ना किसी को अपना शिकार बना लेते हैं, कोई ना कोई उनके फांसे में आ ही जाती है। वो डेली वहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी करती थी, शायद वो डेली शायद उन पर नज़र रखते हों, उन्होंने पिंचर किया, पूरी साजिश की उनके खिलाफ, जब जाके उन्होंने इसे अंजाम दिया। कितनी बेदर्दी से उन्होंने उन्हें मारा, उनकी बॉडी किस हालत में मिली आप लोगों ने देखी ही होगी, बहुत सारी वीडियो है, फोटो है, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, उनकी बॉडी किस हालत में मिली आप लोगों ने देखी ना। मुझे तो सिर्फ ये सोच के आ रहा है कि हमें एक हल्की सी चोट भी लग जाती है ना, तो बुखार तक भी हो जाता है, तो मम्मी पापा ऐसे हो जाते हैं पता नहीं क्या हो गया हमें, कितने बीमार हैं हम। लेकिन उस लड़की के माँ बाप को देखो, उन पर क्या बीत रही होगी। हम लड़कियों को बोल देते हो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर कभी अपने लड़कों को नहीं बोलेंगे कि भाई जैसे तेरी बहन है वैसे वो भी किसी और की बहन होती है। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी ही देनी चाहिए, उम्र कैद करने से कुछ भी नहीं होगा। एक आध को फांसी लग जाएगी ना, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सब अपने लिमिट में रहेंगे। उम्र कैद करने से क्या होगा, जिंदगी तो वो अपनी काट ही लेंगे, कुछ नहीं होगा उम्र कैद करने से। वो जानवरों की डॉक्टर थी, सच बताऊँ ना तो जानवर भी उन लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जानवर भी वफा करना जानते हैं, वो तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं, हैवान है वो। ऐसे लोगों को तो पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसी उनकी सोच होती है, इतने गिरे हुए लोग होते हैं वो। मुझे यही बात करनी थी आप सबसे, मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो मैं जो है यहाँ पे अपने नाश्ता बनाने की मैं लगी हुई हूँ, पापा ने जो है खा लिया है, चाय थोड़ा कम रह गई थी तो मैं दोबारा से बना दी थी। बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा मूड नहीं था बात करने का, पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है ना, आप लोगों को पता ही है मूड मेरा किस वजह से इतना ख़राब था। बस मैं अपना काम कर रही थी, मैं और मम्मी बचे हैं, हम अपने दोनों के पराठे बना लूँगी। पहला पराठा तो मेरा फूक गया था क्योंकि मैंने ना गैस जो है थोड़ा हाई कर दिया था, तो मेरा पहला पराठा फूक गया था, और सेकेंड जो है ठीक ठाक बन गया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डेली खाना नहीं बनाती हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा बनाती हूँ तो सिर्फ सब्जी ही बनाती हूँ, रोटियां हमेशा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी, दावत मारिए जरा, दावत सी है। आज फिर बता दो, मुझे छोड़कर फिर जा रहे हो? मुझे छोड़कर फिर गाँव में जाओ। हाँ मतलब मजे हैं तुम्हारे हैं?
मजा क्या है, मुझे मजबूरी है। मजबूरी? दावत की कोई जाने दिक्कत है, मैं खाता नहीं हूँ कुछ भी, केवल इतने से चावल वगैरह खाता हूँ। ओह माय गॉड, आज ये मैं वीडियो में डाल लूंगी। हाँ हाँ, कहे तुम भी सागर की तरह करो। कारण क्या है, वेट जो है ओवर हो रहा, तो इसे घटाने के लिए कैलोरी का आजकल पेट भी दिखा दूं, वेट की बात चल रही है। हालांकि घट चुका मेरा वेट, तो कैलोरी कम दे रहा हूँ, थोड़ी मेहनत करूंगा तो मेरे हिसाब से एक दो महीने फोर हो जाऊंगा। यस ओके, इसकी तरह मोटा मैं। मैं फिट टू फिट, तन मन जाए फैट है मेरे अंदर बस। हाँ सच है, यू बढ़िया तुम लोगों के मजे, जब जाओ जब ही दावत 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 दावत। तो पापा जो है चले गए हैं, मैं पापा से को ऐसे ही परेशान करती रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है पापा और सागर को परेशान करने में। तो पापा गांव में किसी के फंक्शन है वहाँ पे गए हैं, और सुबह भी उन्होंने नाश्ता ढंग से नहीं किया था, सिर्फ एक या दो परांठे ही उन्होंने खाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब डेली एक एक रूम को क्लीन करूँगी, जिससे मुझ पर भी ज़्यादा प्रेशर ना आए, क्योंकि थक जाते हैं, क्योंकि तबीयत सर्दियों में ना मेरी तबीयत ख़राब सी ही रहती है, तो इसी वजह से तो मैं एक रूम जो है क्लीन कर रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ था, तो मैंने वो बरामदे में खिसका दिया कि बरामदे में रखा जाएगा, क्योंकि पहले बरामदे में हम कुछ भी नहीं रख सकते थे। रूम के बाहर जो आपको जगह दिख रही होगी, क्योंकि वो खुला हुआ था, वहाँ पे बंदर आ जाते थे, तो तोड़ा फोड़ी का बहुत ज़्यादा डर रहता था, तो हम कुछ भी सामान नहीं रखते थे वहाँ पे। लेकिन जैसे आप मेरे रेगुलर देखते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमने बरामदे में गेट लगवा दिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं हो सकती, हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कंप्यूटर उठा के बाहर रख दिया, और आज मैं अकेले ही रूम क्लीन कर रही हूँ। जब पापा होते हैं तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है, अकेले यार बहुत सारा काम हो जाता है अकेले। तो मैं जो है धीरे धीरे यहाँ पे अपनी क्लीनिंग कर रही थी, आप लोगों को दिख ही गया होगा पेंट से कितना बुरा ज़्यादा हाल हो रहा है इसका। मैंने सोचा पहले झाड़ पूछ कर लेती हूँ, एंड में जो है पेंट के निशान सारे छुटा दूंगी। तो कंप्यूटर मैंने बाहर रख दिया था, और फिर जब पापा आए तो पापा ने मना कर दिया कि बरामदे में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो स्विच है ना वो सारे इन बाहर जो बरामदे में थे वो सारे लाइट वाले थे, और पापा को हमारे यहाँ ऐसे ही रहता है, जब जिसको कंप्यूटर वंप्यूटर चलाना हो सब इन्वर्टर से ही चलाते हैं। तो पापा ने वो फिर से ही रूम में रख दिया, मतलब मेरी सारी मेहनत ख़राब गई। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सामान दिख रहा होगा, वो सामान ऐसा है ज़्यादातर यहाँ पर किचन के बर्तन ही हैं जो हमें अभी सेट करने हैं। तो इसमें भी बर्तन ही थे, जो पेटी आप लोगों को दिख रही है, और मैंने जो है कंप्यूटर साफ वूफ करके यहाँ पे लगा दिया था। मैं आपको रूम दिखाना भूल गई, क्योंकि मैंने पूरा क्लीन कर लिया था और मैं थक गई। आप लोगों को कमेंट पड़ रही थी, और लाइट भी भाग गई है इसलिए रोशनी कम लग रही होगी आप लोगों को। मैं भी आप सब लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, दीदी हमें अपना चैनल खोलना है, हमें क्या करें। दूसरा ये होता है दीदी कॉपीराइट क्या होता है। तीसरा ये होता है कि जो आप अपनी वीडियो में म्यूजिक लगाती हो वो कहाँ से लगाती हो। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको अपना चैनल खोलना है तो चैनल खोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो आपके फ़ोन में ही ईमेल आईडी होती है, उसी से ही आपका चैनल बनता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे हर चीज़ सर्च कर लिया करो। अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यूट्यूब पे सर्च कर लो। यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं यार, बहुत वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो होगी उससे देख के कर लिया करो। सबसे आसान तरीका किससे पूछने से अच्छा है कि यूट्यूब पे पहले कोशिश करो, उसके बाद आपको सब चीज़ मिल जाएगी। दूसरा ये होता है कि दीदी आप म्यूज़िक कहाँ से लगाती हो। ये जो हम म्यूज़िक लगाते हैं ये यूट्यूब के ही म्यूज़िक होते हैं, यूट्यूब लाइब्रेरी के म्यूज़िक होते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड करके फिर लगाते हैं, क्योंकि इनका हमें कॉपीराइट नहीं मिलता है इन म्यूज़िक से हमें। तीसरा होता है दीदी कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट से पता क्या होता है, जैसे हमने वीडियो में म्यूज़िक लगाया है 27-28 सेकंड का, हम म्यूज़िक लगा सकते हैं, गाने वाने लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा लगाया तो YouTube जो है हमें कॉपीराइट दे देता है। लेकिन आजकल क्या सिस्टम हो रहा है, मैं 27 सेकंड का भी अगर गाना लगा रही हूँ तो मुझे तब भी कॉपीराइट आ रहा है, तो मैं लगा ही नहीं रही। हम सिर्फ YouTube का म्यूज़िक लगाते हैं या फिर वॉइस ओवर करते हैं। अब क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, अब कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट से हमें क्या नुकसान है। कॉपीराइट से हमें ये नुकसान होता है कि जिस वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है उस वीडियो का पैसा हमें नहीं मिलता है, वो वीडियो का पैसा यूट्यूब को जाता है। तो इसीलिए हमें जो थोड़ी परेशानी होती है, देखो मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत तो हमें भी रहता है कि हमें मिले, तो इसीलिए जो है हम कॉपीराइट बोलते हैं कॉपीराइट आ गया कॉपीराइट आ गया, तो उन वीडियो को डिलीट करके उस म्यूज़िक को हटा के जब अपलोड करते हैं। लेकिन आजकल जैसे मैं देख रही हूँ यूट्यूब के रूल थोड़े ज़्यादा ही सख्त हो रहे हैं,
अगर मैंने कई बार ऐसा हुआ है, अगर मैंने 10 सेकंड का भी म्यूजिक लगाया है तो भी मुझ पे कॉपीराइट आया है, बड़े बड़े अजीब अजीब से हो रहे हैं, तो मैंने लगाना ही छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ या फिर यूट्यूब वीडियो का ही म्यूजिक लगाती हूँ। एक चीज़ और बताती हूँ, कभी कभी कॉपीराइट आपको तब भी आ जाता है जब आप तीन म्यूजिक यूज करते हो। अगर आप अपनी वीडियो में चार म्यूजिक कर लोगे ना, यूट्यूब लाइब्रेरी के जो चार म्यूजिक होते हैं, अगर आप अपनी वीडियो में तब वो यूज करोगे तो आपको तो भी कॉपीराइट आएगा, क्योंकि मैंने मेरी पिछली वीडियो में चार अलग अलग तरह के म्यूजिक यूज किए थे, तो मुझे फिर यूट्यूब की तरफ से मेल आया और उनका कॉपीराइट आया कि मैं सिर्फ 3 म्यूजिक यूज कर सकती हूँ, एक वीडियो में सिर्फ 3 म्यूजिक यूज कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें बहुत दिन से आप सब लोग बोल रहे थे, मुझे लगा मैं भी फ्री हूँ तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो यही था, आसान है यूट्यूब, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत। मुझे भी देखो 1.5 साल के आसपास हो गए हैं यूट्यूब पे, और जो भी परेशानी हुई मतलब मुझसे पूछ लिया करो इंस्टाग्राम पे। और हाँ, मैं अपनी बता देती हूँ, सब लोग बोलते हैं अंशु कहाँ बात करें आपसे, तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है इंडियन ब्लॉगर अंशु के नाम से, और जो मेरी फेसबुक आईडी है वो है अंशु त्यागी के नाम से, और जो मेरी ईमेल आईडी है वो है tanshu619@gmail.com। ये तीनों चीजें हैं, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट किया कीजिए। ऐसे अगर पूछोगे तो मैं नहीं डिटेल में नहीं समझा पाती जो चीज मैंने वीडियो में बता दी है आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।